मिंट्सबर्ग ने बेसिकली ये सारी चीज़ों को स्टडी किया, एक मैनेजर क्या क्या काम करता है, और डिफरेंट मैनेजर्स को स्टडी करने के बाद ये कंक्लूडेड कि मैनेजर के बेसिकली 10 रोल्स होते हैं, और ये 10 रोल्स उसको कभी ज़्यादा कभी कम करके इन्हीं 10 रोल्स को करना होता है, या यूं कह लीजिए कि मैनेजर्स जो होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स वो ये 10 हैट्स पहनते हैं, और एक वक्त में एक हैट पहनते हैं, मल्टीपल हैट्स भी पहन सकते हैं। तो सबसे पहले रोल जो उन्होंने डिस्कस किया एक मैनेजर का, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रोल, कि मैनेजर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। दिस इज एन इंफॉर्मेशन एज, और आपको पता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है, नेट से आ रही होती है, आपके अपने जो रिपोजिटरी है, नॉलेज बेस है ऑर्गेनाइजेशन की, उससे आपके पास नॉलेज आ रही होती है, आपके सप्लायर्स, वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ये आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे होते हैं, आपके आर्किटेक्ट मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे होते हैं। तो मैनेजर का एक बड़ा रोल है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर का, यानी उसके पास जो इंफॉर्मेशन आती है बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजिशन, उसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती है, सुपीरियर इंफॉर्मेशन आती है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आती है, उसका काम ये है कि उस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करें, यानी अपने बॉसेस तक पहुँचाए, अपने पीयर्स तक पहुँचाए, और अपने सबॉर्डिनेट्स तक पहुँचाए, ज़रूरत पड़ने पे अपने कॉन्ट्रैक्टर्स और आउटसाइडर्स को भी वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करे, खुद भी कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है तो ही मस्ट अंडरस्टैंड कि इस इंफॉर्मेशन को किस किस के साथ शेयर करना चाहिए। अच्छा, सिंस दिस इज इंफॉर्मेशन एज, तो लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, इसलिए बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते कि उनको अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से बम्बार्ड किया जाए, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उनको पास ऑन किया जाता है। जैसे आपके पास ईमेल आती है एंड यू कीप ऑन फिगरिंग आउट कि व्हाई आई एम कॉपीड इन दिस ईमेल, देयर इज नो रिलेवेंस विद माय जॉब। इन बाद लोगों की आदत होती है कि जब भी कोई ईमेल करते हैं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सीसी कर देते हैं, इस तरह आपके इंफॉर्मेशन ओवरलोड में इजाफा होता है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी को इंफॉर्मेशन पास ऑन करें तो ओनली जो उसके जॉब से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन, वरना द पर्सन विल बी कंफ्यूज्ड। अगर आप अपने डिजाइन इंजीनियर को आपने जो आरआई की प्रेजेंटेशन की थी जिसमें आपने फाइनेंशियल फिगर्स दिए थे टॉप मैनेजमेंट को कि व्हाई दिस प्रोजेक्ट शुड बी एग्जीक्यूटेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो इंफॉर्मेशन आप अपने डिजाइन इंजीनियर को दे देंगे, एक तो उसका टाइम ज़ाया होगा, दूसरे वो कन्फ्यूज होगा कि मैं डिजाइनिंग के जॉब से इसका क्या ताल्लुक है। तो इसलिए अननेसेसरी इंफॉर्मेशन पास ऑन ना करें। हाँ, अगर आप उसे एजुकेट करना चाहते हैं और आप समझते हैं दिस इज द राइट टाइम के, चूंकि उसको अगली पोजीशन पे प्रमोट कर रहा है तो इसलिए उसको कुछ फाइनेंशियल फिगर्स भी शेयर करने चाहिए, देन शेयर इट एंड एक्सप्लेन इट। इसी तरह बाद इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो कि आपको अपने बॉसेस को जरूर शेयर करना चाहिए, अपने पीयर्स को शेयर करना चाहिए, तो इन इंफॉर्मेशन को आप अपने बॉसेस और पीयर के साथ शेयर करें। तो ये आपका एज ए मैनेजर एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, आप इंफॉर्मेशन को किस तरह से लोगों के साथ शेयर करते हैं। ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन पे बैठना इज नॉट ए गुड थिंग बिकॉज इट विल फायर बैक, क्योंकि जब उस इंफॉर्मेशन की किसी को जरूरत पड़ेगी और मीटिंग के अंदर उसने कहा कि मेरे पास तो इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो आपको फेस सेविंग नहीं मिलेगी। इसलिए इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें और वो भी उस बेहतर तरीके से काम कर सकें। बाद लोगों में टेंडेंसी होती है इंफॉर्मेशन को छुपाते हैं बिकॉज इंफॉर्मेशन इज एन एडवांटेज। दूसरा रोल होता है इंफॉर्मेशन मॉनिटर प्रोसेसिंग में, उसका मॉनिटरिंग का, कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन किसको जा रही है, ये इंफॉर्मेशन उसके लिए रेलिवेंट है नहीं है, तो ये एक मॉनिटर का रोल प्ले कर रहा होता है। और तीसरा होता है स्पोक्स पर्सन का रोल प्ले करता है मैनेजर। अगर आपके प्रोजेक्ट में खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो गया और आपके पास प्रेस आ जाता है, सोसाइटी के लोग आ जाते हैं, तो कौन सा अब है जो उनको फेस करेंगे? इट इज प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर विल एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, एंड व्हाट मेजर्स यू आर गोइंग टू टेक टू एलिमिनेट सच काइंड ऑफ अगली इंसिडेंट्स इन फ्यूचर। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक स्पोक्स पर्सन की। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल केयरफुल इन योर चॉइस ऑफ वर्ड, एंड यू नीड टू वेरी वेरी बी वेरी केयरफुल कि वॉट इन्फॉर्मेशन यू आर पासिंग ऑन, बिकॉज जाहिर है कि इसके लीगल रिपरकशंस भी हैं। तो
तो ये रोल भी होता है आपका एज ए स्पोक्स पर्सन। बाज अवकात एज ए स्पोक्स पर्सन आप टेलीविजन पे भी आके एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा और लोगों को क्या फायदा होगा, किस तरह से जॉब क्रिएट होगी, क्या टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ रही है, ये आप स्पोक्स पर्सन का रोल प्ले कर रहे होता है। तीसरा जो है, दूसरा रोल जो है, दैट इज डिसीजन मेकिंग रोल। अब जाहिर है आप मैनेजर हैं, मैनेजर को डिसीजंस लेने होते हैं और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं बहुत दफा, तो ये भी आपका रोल होता है। उसमें डिसीजन आप एज एंटरप्रेन्योर ले रहे होते हैं, एक डिसीजन ले रहे होते हैं आप एज एंटरप्रेन्योर। प्रोजेक्ट में आपका जो पोजीशन, आपकी पोजीशन है प्रोजेक्ट मैनेजर की, बेसिकली यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर डेवलपिंग ए न्यू थिंग फॉर बिजनेस पर्पसेस। तो जब बिजनेस पर्पस के लिए आप कोई चीज डेवलप कर रहे हैं तो आपके माइंड में बिजनेस होना चाहिए, और जब आप बिजनेस के एस्पेक्ट को रख के किसी चीज को डेवलप करते हैं दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो यू वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि किसी भी सिचुएशन में सॉल्यूशंस जनरेट करता है, अपने बिजनेस को आगे लेकर के चलता है। तो यू डू ऑल दोस थिंग्स, जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़े, कंपनी का बिजनेस आगे बढ़े। तो उसके बाद डिस्टर्बेंस हैंडलर, अदर रोल इज डिस्टर्बेंस हैंडलर। डिस्टर्बेंस हैंडलर का क्या मतलब है भाई? आपके प्रोजेक्ट में दो कॉन्ट्रैक्टर्स में लड़ाई हो गई, मजदूरों में लड़ाई हो गई, तो वो एक डिस्टरबेंस हो गई ना, उसकी वजह से लोगों ने हड़ताल कर दिया, काम बंद कर दिया, एक टेंशन आ गई। अब आपने उनको बिठाना है, नेगोशिएट करना है, समझाना है, और किसी को डांटने की जरूरत है तो डांटना है, कोई आपने रेप्रीमांड करना है तो रेप्रीमांड करें, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो डिसिप्लिनरी एक्शन लें। तो ये सब क्या है? डिस्टर्बेंस हैंडलर का रोल है। देन रिसोर्स एलोकेटर, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव की जॉब को मुख्तसरन डिफाइन किया जाए तो चीफ एग्जीक्यूटिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली रिसोर्स एलोकेटर। वो बताता है कि कौन सा आप किस पोजीशन पे काम करेंगे, वो बताता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट मशीनरी है किस पर्पज के लिए यूज होगी, ठीक है, वो बताता है कि जो पैसे हैं वो किन किन प्रोजेक्ट्स पर खर्च होंगे। तो बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है? रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है वो भी रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है। वो बताता है कि आज क्रेन इस प्रोजेक्ट पे जाएगी, फिर उसके बाद इस प्रोजेक्ट पे जाएगी, किसी को वेट करना है तो प्रोजेक्ट मैनेजर अंडरस्टैंड्स कि मैं जो ये वेट करवा रहा हूँ क्यों वेट करवा रहा हूँ मशीन के लिए। तो वो रिसोर्स को ऑप्टिमली, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, मटेरियल रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, टेक्निकल रिसोर्स हो, कोई और तरह की एक्सपर्टीज हो, ये सारे रिसोर्सेज वो प्रोजेक्ट्स पे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे एलोकेट कर रहा होता है। तो रिसोर्स एलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वजह उसकी है कि दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्प्लीट ऑल प्रोजेक्ट्स इन टाइम विद इन बजट। तो उसके लिए जाहिर है जो रिसोर्सेज जितने ज़्यादा बेहतर से, उससे ज़्यादा बेहतर कोई आदमी नहीं समझता कि किन रिसोर्सेज की किस जगह पे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से उन्हें एलोकेट करता है। निगोशिएटर का रोल प्ले करता है, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट्स निगोशिएट करते हैं, तो कोई आपके प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आर्किटेक्ट है उसके साथ आप निगोशिएट करते हैं, आर्किटेक्ट आपको पता है बाज़ वक़्त इम्पॉसिबल डिज़ाइंस दे देते हैं, ऐसे डिज़ाइंस दे देते हैं जिनको एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप उससे डिस्कस करते हैं कि भाई इसको अल्टरनेट क्या हो सकता है, किस तरीके से इसको चेंज किया जा सकता है, ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप उससे निगोशिएट कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप बहुत सारी सर्टिफिकेशन, लाइसेंसेज और परमिशंस निगोशिएट कर रहे होते हैं, लेजॉन कर रहे होते हैं, तो आप देखेंगे कि थ्रू आउट वो मुख्तलिफ चीज़ें निगोशिएट कर रहा होता है। फिर इंटरपर्सनल रोल्स है, इंटरपर्सनल रोल्स जिसमें वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक रोल है लेजॉन का। लेजॉन का रोल यही है कि जनाब सबके, जैसे उस प्रोजेक्ट के अंदर आर्किटेक्ट भी एक स्टेक होल्डर है, और आर्किटेक्ट का स्टेक ये है कि आर्किटेक्ट चाहता है जिस तरह से उसने डिज़ाइन किया है बिल्कुल उसी तरह से उसे एग्जीक्यूट किया जाए, उसी तरीके से उसी वक्त एग्जीक्यूट किया जा सकता है जब आप आर्किटेक्ट के साथ रेगुलरली इन कांटेक्ट रहेंगे, लेजॉन में रहेंगे। इसी तरीके से फाइनेंस मैनेजर चाहता है कि आप विद इन बजट रहें,
और अगर बजट में कुछ पैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आप जो है अपने फाइनेंस मैनेजर का प्राइस करते हैं, अपने सीनियर मैनेजमेंट का प्राइस करते हैं, उनके साथ लेजॉन करते हैं किस तरह से फाइनेंस खर्च हो रहे हैं। तो आपका काम मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ लेजॉन होता है टू एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन आपका रोल फिगर हेड का भी होता है। फिगर हेड का रोल कैसे होता है, जैसे ये कि आपके प्रोजेक्ट में कोई बड़ी अचीवमेंट हुई है, प्रोजेक्ट के ऊपर लोगों ने लंच रखा है, तो आपके बगैर वो लंच नहीं हो सकता, वो आपको ज़रूर बुलाएंगे और आपको जाना चाहिए क्योंकि आपकी प्रेजेंस जो है वो एक तरह से हेड की है, फिगर हेड की है, आपकी रिस्पेक्ट ऐसी है, आपकी पोजिशन ऐसी है, आपकी प्रेजेंस से वो मोटिवेट होंगे। तो एक ये रोल भी होता है फिगर हेड का। और जो एक और रोल होता है वो जाहिर है कि वो लीडर का रोल तो होता ही है बिकॉज यू आर लीडिंग द प्रोजेक्ट। तो ये 10 रोल्स हैं जो कि आप एज प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जीक्यूट करते हैं ऑन ए प्रोजेक्ट।